नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होपोनोपोनो टेक्निक का यूज किस प्रकार हम कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। होपोनोपोनो टेक्निक के पीछे की स्टोरी क्या है, उसकी पावर क्या है, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए। अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो उस वीडियो के माध्यम से आपको इस टेक्निक की पावर पता चलेगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होपोनोपोनो टेक्निक के बारे में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस टेक्निक को पहले से यूज कर रहे हो या आप अभी न्यूली इस टेक्निक को स्टार्ट करना चाहते हो तो बेसिकली आप ये तीन पॉइंट को जरूर याद रखें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है बट इसमें बहुत सारे चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को एक शांत मन से एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अगर आप ये अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो तो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको आपके लाइफ में जरूर आएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो को हम तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे। व्हाई टू यूज होपोनोपोनो टेक्निक, व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड हाउ वी कैन परफॉर्म दिस टेक्निक। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई, इस टेक्निक को हमें क्यों यूज करना है। बेसिकली ये एक हवाईयन हीलिंग टेक्निक है जिसका यूज हम कर सकते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने में। हमारे जीवन में अगर हमें चेंज करना है, खुद को चेंज करना है या आपको किसी भी परिस्थिति को चेंज करना है, किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज, इमोशंस, इमोशनल आपके अगर प्रॉब्लम कुछ चल रही है या मनी रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो इस हीलिंग टेक्निक के द्वारा। पर इससे पहले आपको इस टेक्निक के बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है, जो कि मैं बोलता हूं थ्री इंपॉर्टेंट फाउंडेशन पॉइंट्स इस टेक्निक के। तो बेसिकली ये टेक्निक हीलिंग टेक्निक है जिसके माध्यम से आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी को हेल्थ का इशू है तो हेल्थ इशू के लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो, या दूसरों को अगर आपको हील करना है, डिस्टेंस हीलिंग भी इस टेक्निक के साथ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से है इस टेक्निक के। सबसे पहले चीज है वर्ड्स हैव एनर्जी, वर्ड्स हैव फ्रीक्वेंसी। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टर्म में बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि ये लॉ कहता है कि सभी चीजें एनर्जी है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करी थी। सभी चीजें एनर्जी है, हर एक चीज बनी हुई है डिफरेंट एटम्स के साथ, और एटम को एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है और वाइब्रेशन है। बट कई सारी चीजें हमें हमारे आंख से नजर नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें हमारे वर्ड्स की, वर्ड्स हैव एनर्जी, वर्ड्स हैव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले थॉट्स आते हैं, उसके बाद में वर्ड्स आते हैं। और अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स बार बार रिपीट करते हो तो बेसिकली क्या होगा, आपकी एनर्जी आप इंक्रीज कर रहे हो, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रहे हो। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप आपके थॉट्स के ऊपर, आपके वर्ड्स के ऊपर काम करोगे तो फीलिंग्स अच्छे आएगी। फीलिंग्स अगर अच्छे आएगी तो आप अच्छे एक्शन लोगे। अच्छे एक्शन अगर आप लेते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इस एग्जांपल को, इस पॉइंट को थोड़ी और डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप चैंटिंग करते होगे किसी भी प्रकार का मंत्र, फॉर एग्जाम्पल ओम का चैंटिंग आप करते होगे, उसके बाद में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या XYZ। तो बेसिकली जब हम चैंट करते हैं, अगर आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हो, चैंटिंग की बात लेते हो और उसके बाद में आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करके अगर आप चैंटिंग करते हो तो बेसिकली आपको ये नज़र आएगा कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड एक प्रकार की एनर्जी है और हर एक एनर्जी को एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि वो एनर्जी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। अगर हम बात करें ओम की, अगर आप ओम का चैंट करते हो
ओम का चैंट करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप ये कंटिन्यूसली करते हो तो यू आर इन द हाई स्टेट, माइंड की हाई स्टेट में आप रहते हो और उसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर हम ओम चैंट करते हैं या किसी प्रकार का मंत्र चैंट करते हैं तो बेसिकली उस मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो उस एनर्जी वाइब्रेट हो रही है। वो मंत्र आपको हेल्प करेगा आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बढ़ाने में। अगर आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लो है तो आप बहुत निगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, यानी कि अगर आप चैंटिंग करते हो, चैंटिंग के माध्यम से आप एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आपके बढ़ा रहे हो, तो आप हायर एनर्जी पे हायर फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हो और उसी फ्रीक्वेंसी में जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। ये एक साइंस है उसके पीछे। तो ये मैं बात क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ह्यूलेन, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी होपोनोपोनो टेक्निक के बारे में, तो उन्होंने एक रिसर्च करा और उस रिसर्च में उन्हें ये समझ आया कि सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू एंड आई लव यू, मतलब चार वर्ड या चार सेंटेंस आप उसे बोल सकते हो। ये चार सेंटेंस बहुत सिंपल है बट दे आर रियली पावरफुल। अगर हम उन्होंने ये रिसर्च करा और वो प्रैक्टिकली भी उन्होंने इम्प्लीमेंट करा है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है जो स्टोरी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। तो बेसिकली क्या होता है कि इस वर्ड को अगर हम रिपीटेडली करते हैं एक फेथ के साथ, इंटेंशन के साथ, हम हमारी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। अगर हम वो रिपीटेडली करते हैं तो हम खुद की फ्रिक्वेंसी एनर्जी भी बढ़ा रहे हैं। सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस आप बोल सकते हो कि इस चार सेंटेंस में एक बहुत ही बड़ी एनर्जी है। अगर आप वो एनर्जी को आपके अंदर लेना चाहते हो तो आपको वो चीजें रिपीटेडली करनी होगी। सेकेंड पॉइंट है होपोनोपोनो टेक्निक, ये कहती है कि जो भी चीजें हमारे साथ होती है, अच्छी चीजें हो सकती है या बुरी चीजें हो सकती है या कोई भी निगेटिव चीजें अगर आप विटनेस करते हो तो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। अगर हम खुद को बोलते हैं, खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यानी कि आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हो, अगर ये निगेटिव चीज मेरे साथ हो रही है या ऐसा एक्सपीरियंस, निगेटिव एक्सपीरियंस अगर मुझे आ रहा है तो उस एक्सपीरियंस के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूं। आप किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी को ब्लेम करते हो तो बेसिकली यू आर इन द निगेटिव इमोशंस, निगेटिव एनर्जी, आप उस निगेटिव फ्रिक्वेंसी में आप खुद को ट्यून कर रहे हो। सबसे पहले अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो बुरे चीज़ों की, अच्छे चीज़ों की, जो भी हो रहा है मेरे साथ वो मेरे कर्मों का कारण है। अगर मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो मुझे अच्छी चीज़ें मेरे लाइफ में आकर्षित करूंगा। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक चीज आपके लाइफ में अगर हो रही है तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। थर्ड थिंग इज डोंट बी लॉजिकल। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स पर उसके पीछे का साइंस, डीप मीनिंग जानते नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि वर्ड्स हैव एनर्जी, वर्ड्स हैव फ्रीक्वेंसी और किस प्रकार से चैंटिंग से हम खुद को चेंज कर सकते हैं, खुद की एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये टेक्निक यूज कर रहा हूँ पर मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड से यहाँ पे आप इस टेक्निक में आप कॉन्शियस माइंड को इन्वॉल्व कर रहे हो। कॉन्शियस माइंड एक क्वेश्चन पूछेगा, यार ये अगर मैं चार वर्ड्स रिपीट करता हूं तो मेरे लाइफ में बदलाव आ सकते हैं, इज इट रियल, ये सही में हो सकता है, या आप अगर आप इस पे उसको करते हो तो आप बोलोगे कि मुझे ये रिजल्ट्स कब आएंगे, या आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, हाउ व्हेन, ये चीजें आपको यहां पे आपके दिमाग से हटानी है। आपको लॉजिकल नहीं होना है, बेसिकली आपको ट्रस्ट के साथ, इंटेंशन के साथ इस प्रोसेस को करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को करते हैं, अगर मॉर्निंग में वो करते हैं, फॉर एग्जांपल वो उनके रिलेशनशिप के लिए, अगर फॉर एग्जांपल एक एक्स वाई जी पर्सन है और उसका रिलेशनशिप इशू है और वो एक
मॉर्निंग में होपोनोपोनो टेक्निक को यूज कर रहा है उसको उसके रिलेशनशिप को हील करने में, अगर वो करता है मॉर्निंग में और पूरे दिन ऐसा विचार करता है कि कैसा होगा मेरे साथ, कैसा होगा, विल आई बी रियली एबल टू पैच अप इन दिस रिलेशनशिप. यहाँ पे आप डाउट आ रहे हो, यहाँ पे आप वरी डाउट उस पर फोकस कर रहे हो और आपको पता है कि एनर्जी फ्लोज वेयर यूर फोकस गोज. आपको ऐसा नहीं करना है. अगर आप वो चीज़ को करते हो, मतलब फॉर एग्जांपल वो एक्स वाई जी पर्सन उसके रिलेशनशिप को हील करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर रहा है, तो उसके बाद में उसको लेट गो करना है. लेट गो में एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि आप उसके साथ हमेशा अटैच नहीं होते हो. आप उसको लेट गो करते हो और उसके बाद में जो भी होगा वो गॉड देख लेगा, जो भी होगा यूनिवर्स आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट देगा. तो आप ये तीन चीज़ें याद रखनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो हमने डिस्कस करा था. 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है और डोंट बी लॉजिकल. यहाँ पे आपको लॉजिकल होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. व्हाट में हमने ये तीन पॉइंट डिस्कस करे, तो थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं. इस टेक्निक के 4 इंपॉर्टेंट मंत्रास है. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. तो आई एम सॉरी के पीछे हम आई एम सॉरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि होपोनोपोनो टेक्निक एक हीलिंग टेक्निक है. हीलिंग की शुरुआत हमारे खुद के साथ होती है. यू आर स्टार्टिंग दिस हीलिंग विथ यूर सेल्फ. आपका रिलेशन आपके साथ कैसा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो बेसिकली आई एम सॉरी यानी कि आपको जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, जो भी अगर आप निगेटिव चीज़ों को विटनेस कर रहे हो, तो आप किसी को ब्लेम ना करें. जैसे कि हमने डिस्कस करा था, तो सबसे पहले आपको आई एम सॉरी फॉर एनीथिंग दैट हैज़ हैपन टू मी और एनीथिंग विच आई विटनेस इन माई लाइफ. तो ये सबसे पहली स्टेप है. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही है. सेकंड सेंटेंस है प्लीज़ फॉरगिव मी. आप सबसे पहले आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्योंकि मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ. सेकंड चीज़ अपोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्स. जो भी चीज़, जो भी मिस्टेक्स मेरे साथ मैंने की है अभी तक, उसके लिए आई एम रियली सॉरी यूनिवर्स, आई एम रियली सॉरी गॉड. ये चीज़ आपको हेल्प करेगी मूव ऑन करने के लिए. बहुत सारे लोग पीछे जो लाइफ में उनके प्रॉब्लम चल रही थी, पास्ट में अटक जाते हैं, पास्ट में वो लूप में वो फंस जाते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसी प्रकार के फीलिंग्स इमोशंस उसके उनके साथ आते हैं और उसी लूप में वो चलते रहते हैं. बट इस होपोनोपोनो टेक्निक में अगर हम बारीकी से विचार करें, तो सबसे पहले हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हमने एक्सेप्ट किया, यस जो भी हुआ हो गया, लेट इट गो. और सेकंड चीज है प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी कि आप अभी आगे मूव ऑन कर रहे हो. जब आप आगे मूव ऑन करते हो, तो बेसिकली जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी चीज़ें आपको पास्ट में हुई थी, वो चीज़ें होल्ड कर रही है, तो वो आप लेट गो कर रहे हो. थर्ड थिंग है थैंक यू. थैंक यू, ग्रैटिट्यूड की पावर सबको पता है, ग्रैटिट्यूड में कितनी शक्ति है. अगर आप ग्रैटिट्यूड, इसमें हम थैंक यू क्यों रिपीट करते हैं, यू आर giving gratitude towards your life, towards the universe, towards the change within you, towards the new view, and you are thanking everyone. You are thanking for your life, you are thanking for the shelter on your head. तो ये thank you का इस्तेमाल हम करते हैं एक powerful emotion create करने के. Fourth sentence is I love you, which is the last mantra of this technique. You are sending love to yourself, you are sending love to the universe, to the God, to the Almighty. और हमें पता है कि लव इज वेरी पावरफुल इमोशन, इसमें बहुत बड़ी ताकत है. जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया करा था कि पॉजिटिव इमोशन और निगेटिव इमोशन, अगर आप खुद को पॉजिटिव इमोशन में लाओगे, यानी कि अगर हम बात करें इस टेक्निक के बारे में आई लव यू, तो आप इस लव एनर्जी को इस लव वाली फ्रिक्वेंसी के साथ मैच होते हो और उसी सारे चीज़ों को बाहर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देते हो. अगर आप अच्छे लव इमोशन के साथ खुद को मेंटेन कर सकते हो, तो बेसिकली आपके लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं. तो अभी देखते हैं कि किस प्रकार हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो.
किस प्रकार हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इसका कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है कि इस टाइमिंग में ही आपको इस टेक्निक को यूज करना, आपके टाइमिंग के अनुसार आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। आपको किसी भी जगह पे आप बैठ सकते हो। आई विल सजेस्ट यू टू मेंटेन वन पर्टिकुलर प्लेस फॉर दिस टेक्निक। तो सबसे पहले आपको एक इंटेंशन सेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपके इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले आपको ये इंटेंशन सेट करना है कि मैं अभी मेरे इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ, और इसके माध्यम से वो सारी चीज़ें क्लियर होगी एंड आई विल बी इन द गुड पॉजिटिव स्टेट। तो उसके बाद में डीप ब्रीदिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। डीप ब्रीदिंग 1:1 प्रोपोर्शन में, यानी कि अगर आप 3 सेकंड सांस ले रहे हो तो 3 सेकंड के लिए आपको एक्सेलेशन करना है, सांस छोड़ना है, या 4 सेकंड के लिए आप सांस लेते हो तो 4 सेकंड के लिए आपको एक्सेलेशन करना है। इनहेलेशन एक्सेलेशन का ये एक प्रोपोर्शन है। जब हम ये डीप ब्रीदिंग करते हैं तो माइंड में जो अननेसेसरी थॉट्स होते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो सबसे पहले आपने इंटेंशन सेट करा, जो भी थॉट्स, एक्स्ट्रा थॉट्स या हम बोल सकते हैं अनवांटेड थॉट्स है आपके माइंड में, वो आपने रिमूव कर दिए, और आपको उसके बाद में इस 4 मंत्रास को रिपीट करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद को हील करना चाहते हो तो बेसिकली आपको आपका नाम लेना है। आई एम सॉरी सागर। फॉर एग्जांपल, अगर पर्सन का नाम सागर है, आई एम सॉरी सागर, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। इसको आप रिपीट कर सकते हो 21 टाइम्स या 108 टाइम्स, या आपके टाइमिंग्स के अनुसार आपको आप इसको रिपीट कर सकते हो। इस वीडियो में हमने जाना कि why you have to use Ho'oponopono technique, Ho'oponopono technique क्या है, उसके पीछे के 3 important points, 4 important mantras of Ho'oponopono technique, और इस वो मंत्रास हम क्यों रिपीट करते हैं और किस प्रकार हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ जो अपने लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।